दोस्तों, बॉलीवुड में करियर की रफ्तार बनाए रखना आसान नहीं है। ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने एक बड़ी हिट फिल्म से अपनी फिल्मी पारी का आगाज किया। कई नामचीन रोल्स किए पर एक समय के बाद उनके करियर में ठहराव आ गया और आगे चलकर उन्हें रोल्स मिलने बिल्कुल ही बंद हो गए। काम न मिलने की वजह से कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी रही तो कभी मनचाहे ऑफर्स की कमी या कुछ कलाकारों के अपने व्यक्तिगत कारण भी रहे। पर दोस्तों, भले ही कलाकार बड़े पर्दे से कितनी ही दूरी बना लें, उन्हें अलविदा कह दें, पर उनका काम मनोरंजन की दुनिया में दर्ज हो ही जाता है। हमने अपने चैनल के माध्यम से ऐसे कई कलाकारों का जिक्र किया है जिनका करियर भले ही छोटा रहा, पर आज भी उनके प्रशंसक उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। ये वो अदाकारा हैं जिन्होंने महज 5-6 सालों में ही माधुरी दीक्षित जैसी फीमेल सुपरस्टार को कड़ी टक्कर दे दी। कई बड़े सुपरस्टार्स की लीडिंग लेडी के तौर पर काम किया तो कुछ के साथ काम करने के ऑफर्स ठुकराए भी। अपने करियर के बेहद छोटे पर अहम दौर में ही उन्होंने कई बड़ी हीरोइंस को कांटे की टक्कर दे डाली। इतना ही नहीं, लोग अक्सर उन्हें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की लुक अलाइक के तौर पर भी याद रखते हैं। अब तक के इंट्रोडक्शन से शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ बात हो रही है बॉलीवुड की पूर्व अदाकारा फरहीन की। दर्शकों, फरहीन की बॉलीवुड जर्नी जितनी रोचक रही, उनके निजी जीवन में उतने ही उतार चढ़ाव मिले। तो आइए अभिनेत्री फरहीन के जीवन से जुड़े इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम आपको उनकी लाइफ के कुछ अनछुए पहलुओं से भी रूबरू करवाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कभी बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित को टक्कर देने वाली फरहीन आजकल कहाँ है और क्यों उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को पीछे छोड़ गुमनामी की गलियों को अपना लिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। अभिनेत्री फरहीन का पूरा नाम फरहीन खान है। इन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में बिंदिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म साल 1973 में चेन्नई में हुआ था। फरहीन बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, इस लिहाज से टैलेंटेड और खूबसूरत फरहीन को फिल्में मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म मिली साल 1992 में। साल 1992 में फरहीन को जान तेरे नाम नामक एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने पिंकी मल्होत्रा का किरदार अदा किया था। इस फिल्म का निर्देशन दीपक बलराज विज ने किया था। इस फिल्म के बाद फरहीन को हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के कई मौके मिले। आइए एक नजर फरहीन के फिल्मी करियर पर डालते हैं। फरहीन ने हल्ली मेस्त्रू, कलाइंगन, आग का तूफान, मेरी आन, दिल की बाजी, सैनिक, तहकीकात, फौज, अमानत, साजन का घर, अग्नि प्रेम, थाली जैसी नामचीन हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार पर्दे पर तेलुगु फिल्म थली में देखा गया था। फरहीन के करियर की एक खास बात ये भी रही कि वो हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी लगातार काम कर रही थी। उन्होंने साल 1993 में आई सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर में काम करने से मना कर दिया था। असल में उस वक्त फरहीन अपनी साउथ इंडियन मूवीज में काफी बिजी थी, इस कारण वो बाजीगर जैसी हिट फिल्म को गवा बैठी। कुछ मानते हैं कि फिल्म बाजीगर में काम करने से फरहीन के करियर को नई पहचान मिल सकती थी। आइए दोस्तों, अब एक नजर उस कारण पर दौड़ाते हैं जिसके चलते फरहीन अपने करियर और फिल्मी चकाचौंध से दूर होती चली गई। साल 1994 में फरहीन की मुलाकात पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से हुई। एक वक्त ऐसा था जब मनोज भारतीय क्रिकेट जगत के स्टार प्लेयर हुआ करते थे। फरहीन और मनोज मुलाकात के बाद ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब मनोज फरहीन से मिले थे तब वो अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे, इस लिहाज से फरहीन उनका सहारा बनती चली गई। दोस्तों, एक समय के बाद फरहीन और मनोज ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया। ये उस वक्त के लिहाज से एक बेहद बोल्ड स्टेप था। अपने लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत के बाद फरहीन को होम ब्रेकर का तमगा मिलने लगा। दरअसल जिस वक्त मनोज फरहीन से मिले थे वो संध्या प्रभाकर से विवाहित थे और उनकी एक संतान भी थी। फरहीन और मनोज के रिश्ते से संध्या और मनोज की गृहस्थी पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि संध्या मनोज को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं थी, पर मनोज फरहीन के साथ ही रहने लगे। कुछ सालों तक साथ रहने के बाद ऐसा माना जाता है कि फरहीन और मनोज ने सीक्रेटली निकाह भी कर लिया था। बता दें कि साल 2008 में मनोज अपनी पत्नी संध्या से ऑफिशियल तौर पर अलग हो गए। इस तरह मनोज और फरहीन ने एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बसा ली और फरहीन बॉलीवुड से दूर हो गई। आइए दोस्तों, अब एक नजर फरहीन के पारिवारिक बैकग्राउंड पर करीब से डालते हैं।
परीन एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। इनकी परवरिश चेन्नई में ही की गई। हालांकि इनके माता पिता, भाई बहन आदि से जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, पर फरीन के शुरुआती पारिवारिक जीवन के बारे में इतना कहा जाता है कि फरीन की दादी काफी सपोर्टिव थी। उन्होंने ही फरीन को उनकी चाइल्ड मैरिज से छुटकारा पाने में मदद की थी। बात अगर फरीन की मौजूदा पारिवारिक स्थिति की करें तो आज फरीन मनोज और अपने बच्चों के साथ दिल्ली में सेटल हो चुकी हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री से उनका नाता एकदम ही टूट चुका है। बॉलीवुड में शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली के सिवा वो किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं है। आज वो अपने फादर इन लॉ, पति और दो बेटों के साथ रहती हैं। इनके बेटों का नाम राहिल और मानवंश है। बता दें कि संध्या और मनोज के बेटे रोहन और रोहन की पत्नी भी फरहीन और मनोज के साथ ही रहते हैं। रोहन का एक बेटा भी है और इस लिहाज से फरहीन आज एक दादी भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर बात इनके मौजूदा प्रोफेशन की करें तो इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। आज इनके बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों का है। फरहीन 1996 के बाद फिल्मी दुनिया से बिल्कुल दूर हो चुकी थी, पर जब साल 2014 में जान तेरे नाम के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने की घोषणा की, तब वो फिर से लाइमलाइट में आई। उनको हीरोइन की मां का किरदार ऑफर हुआ था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, पर दोस्तों ये सीक्वल कभी बन नहीं पाया और फरहीन पर्दे पर कमबैक नहीं कर पाई। पर इस फिल्म की घोषणा के बाद जब फरहीन मीडिया से रूबरू हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वो अपने पारिवारिक जीवन में पूरी तरह रम चुकी हैं और उन्हें बॉलीवुड के करियर को छोड़ने का कोई मलाल नहीं है। अब देखना यह है कि वो दोबारा अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब करती हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्व अभिनेत्री फरहीन के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण और अनकही बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो मनोरंजक लगी होगी। दोस्तों, यहाँ से जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका शुक्रिया।